अखिलेश और ममता बनर्जी की इसी मुलाकात से साफ हो गया था कि जिस राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे के साथ अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे हैं उसके बाद कुछ बड़ा खेला होने वाला है और हुआ भी कुछ वैसा ही। एक ही तारीख में अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कर दिया। अखिलेश ने दो टूक कह दिया कि क्षेत्रीय दल अपना अलग गठबंधन करेंगे और कांग्रेस अपनी दिल्ली वाली राष्ट्रीय भूमिका खुद तय कर ले। इसके बाद ममता बनर्जी ने ये कहकर हलचल तेज कर दी कि राहुल तो भाजपा की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को लेकर यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा हैं, तो कोई भी मोदी को खराब नहीं कह पाएगा। कहने को तो ये पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का बयान है, लेकिन इसकी लाइन लेंथ कांग्रेस पर अखिलेश के हमले से मिलती जुलती है, जो कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करने वाले दल की हैसियत देने को तैयार नहीं। अखिलेश तो यहाँ तक कह गए थे कि कांग्रेस तो खत्म हो गई। जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ही काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है, कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। अब सवाल है कि क्या अखिलेश कांग्रेस से चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं करेंगे? क्या अखिलेश राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का विकल्प देने लायक नेता नहीं मानते? क्या अब अखिलेश और ममता बनर्जी के करीबी तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस पर ऐसे ही हमलावर दिखेंगे? इस सवाल के जवाब में सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। इमेजिनेशन है ना भारत की, उस इमेजिनेशन में हमें लगता है कि राहुल जी आ नहीं पा रहे। इसीलिए जब भी इस देश पर बुरा वक्त पड़ा है, भारत के लोकतंत्र पे, जमहूरियत पे, भारत के संविधान पे, तो जो ये जो कमंडलवादी जो लोग हैं, इनका लड़ाई हमेशा मंडलवादियों के सामने, मंडलवादियों ने जीत हासिल करी है। क्या कोई ऐसा गठबंधन बन सकता है जो सबसे बड़ा दल है, जो न्यूक्लियस है, क्या बिना उसके कोई गठबंधन बन सकता है? तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, गठबंधन भाजपा के खिलाफ बने हम इसका स्वागत करते हैं, पर वो केंद्र बिंदु कांग्रेस ही रहेगी। बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन बनेगा नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, जो तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, ऐसे गठबंधन बने कई दिन चले। कांग्रेस की माने तो अखिलेश यादव को भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की एकता के लिए काम करना चाहिए। पार्टी का दावा है कि वो सभी 543 सीटों पर भाजपा को हराने के लिए देश भर में गठबंधन करने को तैयार है। हमें लक्ष्य 80 सीटों को जीतने का रखना चाहिए, उन्होंने 50 रखा है, 30 का क्या होगा? तो एक ऐसी बात करें जिसमें 80 में बराबर की लड़ाई हो सके, और 80 में नहीं, जो लोकसभा की पूरी स्ट्रेंथ है 540-542, इसमें जीतने की बात करनी चाहिए। यहीं आके सारी बातें रुक जाती है, हम 80 जीतेंगे, वो 40 जीतेंगे, वो 30 जीतेंगे, 540 और 542 की बात करो। राहुल जी जितने मजबूती के साथ आज विपक्ष की में भूमिका में खड़े हैं, और राहुल जी ने ये साबित कर दिया कि पूरे देश के अंदर अगर कोई विपक्ष का नेता मजबूती के साथ खड़ा है तो राहुल गांधी है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो। अभी आप देख रहे हैं लोकसभा के अंदर, हम लोग भी 30 साल से राजनीति में हैं, अभी तक हमारी जानकारी में कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता के द्वारा लोकसभा स्थगित की जाए। उधर भाजपा को विपक्षी खेमे में मची इस खींचतान पर तंज करने का बड़ा मौका मिल गया है। दावा करना, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना, लोकतंत्र में किसी का भी अधिकार है, लेकिन देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है। देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में, मैं आपको चुनाव के बहुत पहले बता रहा हूं। साफ है कि अखिलेश की कोलकाता मेल लखनऊ से दिल्ली की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही है, नई सियासत आकार ले रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।